करेंगे बिल्कुल करेंगे। नहीं नहीं हाँ इसको डांटे। चाय बना रही है हाँ। किसने कहा तुमने? हाँ, हमारे लिए हाँ। लड़के कितने स्मार्ट हैं। खुल गया, अब क्या करोगे? यूट्यूब चला। तो कल की वीडियो में जो कमेंट आए थे देख सकते हैं, ये सारे कमेंट आए थे तो भूल जा रहे थे कुछ दिनों से। तो एक दो भाई लोग हैं कह रहे हैं भाई रोज़ कमेंट कर रहे हैं, एक दिन मेरे भी कमेंट लगा दो। तो कल की वीडियो में जो कमेंट आए थे देख सकते हैं, ये सारे कमेंट आए थे, बढ़िया से देख लीजिए सभी लोग। तो आप लोग भी कमेंट करिए, हाईलाइट करेंगे बढ़िया से। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आ चुके हैं फिर नए वीडियो के साथ में, तो चलिए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो अभी अभी छत पे आए हुए हैं, 10 बज रहा है, नहीं 10:30 बज रहा है। विकेट पहन के व्लॉग स्टार्ट कर दिया, देख सकते हैं कुछ नहीं पहना है। तो चलिए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट और नीचे जा रहे हैं, गाड़ी वाड़ी निकाल देते हैं, आज थोड़ा काम है घर में। छत पे ही है और धूप काफ़ी मस्त हो रखी है, मौसम बड़ा बढ़िया है। अभी अभी सो के उठे हैं तो नींद आ रही है, तो फटाफट से गाड़ी निकाल देते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सुबह सूर्य नमस्कार करिए, देख सकते हैं कितनी तेज रोशनी है, आंखें मेरी तो आंखें नहीं खुल रही। तो अभी गाड़ी वाड़ी निकाल दी है, एक ये गाड़ी नहीं है, एक वो सामने खड़ी है, दोनों गाड़ियाँ निकाल कर रख दी है बढ़िया बाकायदे से। तो अभी आ चुके हैं ऊपर, गाड़ी वाड़ी निकाल कर रख दी है और नाश्ता कर रहे हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो मम्मी ने चाय चना बनाया है, दिखाते हैं। तो मम्मी ने चाय के साथ में चना उबाल के दिया है, मतलब फ्राई करके दिया है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे चना, मस्त चना वना खा के उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। जाना है सभा जी के, सभासद के ऑफिस, मतलब जाना है सभासद जी के यानी मुन्ना मिश्रा जी के ऑफिस। तो कल इलेक्शन है हम लोगों के, वहाँ पर्चियाँ भी नहीं आई हैं, तो वही पर्चियाँ वर्चियों के बारे में पता करने जा रहे हैं कि लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं। वोटर कार्ड तो हम लोगों ने इसी साल बनवाया है, तो वही जाएंगे सभासद के पास में पर्चियाँ पता करने। तो नाश्ता करने के बाद निकलते हैं यहाँ से। सभासद जी के पास में गाड़ी निकाल के पहले से रख ली थी, पर्ची निकलवा लाते हैं और आपको दिखाएंगे हमारा कूलिंग बूथ कहाँ पे है। तो निकलते हैं यहाँ से। तो अभी आ चुके हैं सभासद जी के ऑफिस के पास में, और आते ही आते उन्होंने तुरंत पर्ची निकाल के दे दी, डिजिटल से मतलब मोबाइल से नेट से डाउनलोड करके उन्होंने तुरंत पर्ची दे दी, दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये है मेरी पर्ची, फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे हम लोग, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं, वो कहाँ पर अपना वोटिंग वो भी दिखाते हैं, कहाँ पर हमें वोट करना है वो भी दिखाते हैं आपको बढ़िया से। तो सभा सब्जी का ऑफिस ये है देख सकते हैं, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, सीधे जाएंगे हम लोग, आगे से लेफ्ट मोड़ेंगे वहीं पर हम लोग की बूथ है, तो मिलते हैं वहीं पर सीधे। तो अभी आ चुके हैं अपने बूथ पर, मतलब जहाँ पर हमें वोटिंग करना है, मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वोट करेंगे, मतलब वोटिंग करेंगे, लायंस राजधानी है, तो यहीं पे हम लोग बूथ करेंगे, प्राथमिक विद्यालय है इसमें, अंदर में काफ़ी भीड़ रहेगी। बाकी यहाँ हमारे सभासद जी का घर है, ये सफ़ेद वाला देख सकते हैं, तो यहीं पे वोटिंग करेंगे। चलिए चलते हैं, दोनों चीज़ें दिखा दी बढ़िया से। हमारे जो सभासद जी हैं बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी भी कोई भी काम से जाइए विद इन आवर, यानी मतलब विद इन आवर वो काम होता है। जेरी शांत बैठी, अब चढ़ के आई इधर, ये इधर आ गई, इधर चढ़ के आ गई, ये देखिए कैसे आ गई, ऊपर बैठ गई। जेरी हटो हटो, चढ़ के बैठ गई है, चलो बाय, जा रहे हैं। पीछे पीछे आ जाती है, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। सभासद हमारे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, जैसे ही गए तुरंत पर्ची निकाल के उन्होंने दे दी, और कहने लगे और कोई भी हो तो उनकी भी दे दीजिए निकलवा देंगे। तो निकलते हैं यहाँ से। दे दो, अच्छा 10 के 2 दे दो,
दस के दो भी नहीं है। तो अभी खाना बना नहीं है, दाल चावल बन रहा है, टाइम लगेगा उसमें। तो चना भिगो के रखते हैं मेरा, मैं मतलब रात में रोज़ चना भिगो के रखता हूँ, तो वही खाने जा रहा हूँ। आप लोग भी खाइए चना, काफ़ी सेहतमंद होता है, अच्छा होता है। तभी जा रहे हैं मामी के वहाँ, कुछ काम है, दीदी को कुछ कपड़े उपड़े देने हैं, तो वही देने जा रहे हैं। मतलब तीन चार दिन से दीदी मामी के वहाँ ही रुकी हैं, तो वहीं पर जा रहे हैं। उनका फ़ोन आया था कि कपड़े दे दो, कहीं जाना है उनको, तो कपड़े देने जा रहे हैं। और मिलाते हैं पुष्कर से तो मतलब मैं मिलने गया एक दो बार, लेकिन वीडियो नहीं शूट किए, तो आज वीडियो भी शूट करेंगे उसके साथ में, मज़ा आएगा। बहुत शैतान बच्चा है, बहुत। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो कहता है पैसा दे दो पैसा, बहुत वीडियो देखी गई हमारी वो, तो मतलब 800 व्यू आए, तो उस पर मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा व्यू आए। मतलब अभी ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है, तो मेरे हिसाब से 800 व्यू बहुत होते हैं मेरे लिए। तो मिलाते हैं उससे पैसा दे दो पैसा वाले से। पुष्कर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शैतान है, देखिए पंखा तोड़ रहा है, मतलब एयरप्लेन का पंखा तोड़ रहा है। क्या कर रहे हो? इसको डांटे, हटो ए हटो। चाय वाय पिलाओगे नहीं? हाँ। चाय वाय पिलाओगे नहीं? हाँ। जा बोल के आओ चाय के लिए, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जी। देखिए आजकल के स्मार्ट बच्चे, क्या करोगे अब? ओ यूट्यूब चला रहा है नई जनरेशन, अब क्या करोगे? अभी आ चुके हैं घर, तो सीन कुछ गड़बड़ हो गया था, जो कुछ सामान ले गए थे, बाकी एक दो चीज़ें रह गई थी, तो उसे फिर लेने आना पड़ा। तो मतलब जूते रह गए थे दीदी के, तो वो लेने आए हुए, जूते देते हुए मम्मी को लेके जा रहे हैं नानी के वहाँ जा रहे हैं, बड़े मज़ा करेंगे। मम्मी भी तैयार हो रही है नानी के साथ, वहीं मतलब जूते देते मम्मी को लेके जाएंगे नानी के वहाँ, वहीं मिलेंगे। धूप है तो गर्मी लग रही है, तो शर्ट पहन के जाएंगे नॉर्मली, सिंगल से मतलब सिंपल सी एक शर्ट पहन लेंगे, और जैकेट वैकेट नहीं पहन लेंगे क्योंकि जाड़ा नहीं हो रहा है। काफ़ी तेज़ धूप ऊप हो रही है तो गर्मी लगने लगती है। अभी शर्ट वर्ट पहन ली है, हाफ शर्ट पहनी है, देख सकते हैं गर्मी होने लगी है, तो हाफ शर्ट ही सही है, धूप भी काफ़ी तेज़ कोई दिक्कत नहीं। मास्क भी ले लिया, मास्क वास्क पहन के जाएंगे। रास्ते में चेकिंग मिलती है, तो एक बार चेकिंग मतलब चालान होने से बच गए थे, बता दिया था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ ये वो, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। तो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, मास्क पहनते हैं। आप लोग भी कहीं भी जाइए मास्क वास्क पहनिए, अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो मास्क जरूर पहनिए। तो मम्मी भी तैयार हो गई, निकलते हैं साथ में नानी के घर। आ चुके हैं, तो अभी आ चुके हैं नानी के घर, आपको कुछ सिक्के दिखाते हैं बढ़िया से। और बाकी हल्के में ले लिया था, हाफ जैकेट शर्ट पहन के आए थे, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो ठंड लग रही है, तो सिक्के दिखाते हैं। ये है जादू की पोटली, इसके अंदर सिक्के रखे हैं, दिखाते हैं आपको, सिक्के हैं काफ़ी। ये देखिए, दस पैसा, एक ये 10 पैसे का है, देख सकते हैं 10 पैसे, मतलब काफ़ी पुराने सिक्के हैं। नाश्ता आ गया है तो आप इसको भी देखिए, काफ़ी पुराने सिक्के हैं, 10-10 पैसे के हैं। लाइट का इशू है, तो कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव सिक्के थे वही दिखाना चाह रहा था, बाकी ये सिक्के तो आपको कई जगह मिल जाएंगे। और ये एक नोट है 2 रुपये की, पुरानी है काफ़ी ये भी, के साथ साथ ये 10 रुपये की एक नोट है, कितनी ज़्यादा पुरानी है, कौन सा साल में बनी वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा होगा 10 अभी नोटों में कितने साल में बनाए थे, उसमें नहीं लिखा हुआ है। चलिए
यही दिखाना था बस आपको। तो आप लोग भी कमेंट करिए, हाईलाइट करेंगे बढ़िया से। तो अभी नानी के वहाँ ही हैं, निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में, उसके बाद व्लॉग को घर जाके ख़त्म करेंगे। तो 5:30 बजे का समय हो चुका है, अभी आ चुके हैं घर। जाड़ा लग रहा है तो आते आते जैकेट ही पहन ली मैंने सीधे, उसके बाद फिर व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो व्लॉग को करते हैं ख़त्म। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप हमारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए व्लॉग को ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।